नमस्कार प्यारे भैया बहनों, विद्या भारती राजस्थान की गूगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्या भारती के द्वारा जो छोटी कक्षाओं के भैयाओं के लिए वर्कबुक जो जारी की है, उस वर्कबुक का कार्य पत्रक एक जो है वो आज हम अध्ययन करेंगे। कक्षा चतुर्थी गणित विषय का कार्य पत्रक एक जो है इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें एक प्रश्न है, निम्न को अंकों में लिखिए। कुछ संख्याएं दी गई है, उन संख्याओं को अपने को अंकों में लिखना है। जैसे इसमें संख्या दी गई है 6,45,462, 6,45,462 है, तो ये इकाई ढाई, ये तो हम पिछली कक्षा में पढ़ी चुके हैं, इकाई ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है, 6 लाख। तो पहले लाख वाली जो संख्या है वो लिखेंगे 6 लाख। 6 लाख की क्या लिख दी हमने, 6 लिख दिया। उसके बाद में आगे है 45,000। 45 में दो अंक होते हैं, इकाई और ढाई, दो अंक होते हैं, एक 4 और 1 5। तो इसके अंदर 1,000 और 10,000 दो संख्या आ जाएगी, तो ये हो गए 45,000। उसके बाद में आगे है 400, तो सैकड़ा की जो संख्या है वो हो गई 4। आगे इसमें लिखा हुआ है 62, 62 जो है इकाई और ढाई आ गई, तो ये लिख देंगे 62 के 62। इस प्रकार से इस सवाल के अंदर कुछ ऐसी संख्याएं लिखी हुई आएगी जो शब्दों में है, उनको आपको अंकों में इस प्रकार से इकाई ढाई की सहायता से इन संख्याओं को बनाना है। इसमें तो जैसे सारी संख्याएं दी हुई थी, कोई संख्या बीच में खाली नहीं है। अगर कोई संख्या के अंदर कोई संख्या मान लो खाली होती है, मान लो 1,000 का अंक नहीं है, तो उसकी जगह पर अपने को क्या करना है, 0 लगाना है उसकी जगह पर। उसके बाद में दूसरा इसमें सवाल है, गोले में दी गई संख्या जो है उनके अंक का स्थानीय मान लिखना है। गोले में जो अंक दिया गया है उसका स्थानीय मान क्या है, ये संख्या दी गई है, इसको पढ़ेंगे हम पहले, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख तक की संख्या है। इसमें अपने को क्या देखना है, ये जो गोले वाला अंक जो है उसका पहचान करनी है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 6 का स्थानीय मान लिखना है, तो 6 का 6 लिख दिया। 6 कौन से स्थान पर है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है। तो हजार के में कितनी संख्या होती है, 1, 2, 3, 4। हजार के अंदर कितने अंक होते हैं, 4 होते हैं, एक अंक ये हो गया और 3 आगे इसके 0 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 6,000 हो गया। तो इस 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6,000। उसके बाद में आगे एक प्रश्न है, निम्न को शब्दों में लिखिए। इसमें संख्या अंकों में दी गई है, उस संख्या को अपने को क्या करना है, शब्दों में। इसमें शब्दों में दी गई थी, उनको क्या बनाना था, अंकों में। तो इसी प्रकार से इसका ये विपरीत काम है, पहले हम इसकी पहचान करेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इनको शब्दों में लिखना है, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये जो 1,000 और 10,000 है इन दोनों अंकों को एक साथ पढ़ेंगे, तो ये दोनों अंक कितने हो गए, 20। तो यहां लिखेंगे हम 20,000, ये हो गया 20। अब उसके बाद में 1,000 10,000 का काम हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा। अब ये सैकड़ा को अलग से पढ़ेंगे, सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। सैकड़ा का मतलब है 100, तो सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 6। 6 का मतलब क्या हो गया, 600, तो यहां आ जाएगा 600। और आगे इकाई और ढाई का अंक जो है इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे, 0, 1, 0, 1 का क्या हो गया, 1 ही हो गया, तो यहां लिख देंगे हम 1। तो इस प्रकार से ये अपनी जो संख्या है वो हो गई 20,601। उसके बाद में आगे एक प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है अपने को और फिर उसको शब्दों में करना है। तो कोई भी संख्या होती है उसकी अगर बड़ी संख्या बनाते हैं, तो जितना 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो 2 अंकों की बड़ी संख्या हम क्या लिखेंगे, जितनी बार पूछे उतनी बार 9 लिख दीजिए, ये 2 अंकों की बड़ी संख्या होगी। 3 अंकों की पूछी है तो 3 बार 9 कर दीजिए, ये 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी। 4 का पूछा है तो 4 बार 9 कर दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 का पूछा है तो 5 बार कर देंगे, और जब 6 का पूछा है तो कितनी बार करेंगे, 6 बार 9 लिख देंगे। तो इसकी बड़ी संख्या बन गई 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 6 बार 9 लिख दिए। अब इनको इकाई ढाई से पहचान कर लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, और ये हो गया 1,000, 1,000, 10,000 और ये लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000 और लाख। तो पहला अंक क्या हो गया, 9 लाख।
नौ लाख, ये हो गया पहला अंक नौ लाख। उसके बाद में हजार दस हजार को साथ में बोलना है, तो हजार दस हजार दो अंक कितने हैं, निन्यानवे, तो यहां लिखेंगे निन्यानवे हजार, निन्यानवे हजार। उसके बाद में आगे कहा एक लेंगे सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है नौ, तो नौ सैकड़ा का मतलब सौ, तो नौ सौ। और आगे इकाई दहकांक जो है वो दो अंक साथ में लेते हैं, दो कितने हो गए निन्यानवे, निन्यानवे। तो इस प्रकार से अपनी छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई नौ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे। आगे इसमें एक सवाल आया है, संक्षिप्त रूप में लिखिए, इसमें कुछ संख्या दे रखी है, उस संख्या को अपने को क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। इसमें देखो क्या है, आठ गुणा इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, ये लाख दे रखा है, आठ को लाख से गुणा करना है, फिर चार को दस हजार से गुणा करना है, दो को हजार से गुणा करना है, नौ को सौ से गुणा करना है, छह को दस से गुणा करना है और छह को एक से गुणा करना है। यानी पहले हम इनका गुणा करने का काम है वो कर देते हैं, पहले गुणा करने का काम है वो कर देते हैं, पहले इन इनका आठ को लाख से गुणा किया तो कितना हो गया, आठ लाख हो गए, तो यहां आ जाएगा आपके आठ लाख हो गए, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, ये कितने हो गए आठ लाख हो गए। अब आगे चार तो इसको कितने से गुणा करना है, दस हजार से, एक दस हजार, दो दस हजार का हो गया बीस हजार, तीन दस हजार के हो गए तीस हजार, चार दस हजार के कितने हो गए चालीस हजार, तो यहां आ जाएगा चालीस हजार। उसके बाद में दो को गुणा करना है हजार से, तो एक हजार को दो से गुणा किया तो हो गए दो हजार, यहां आ गए दो हजार। फिर सौ को गुणा करना है नौ से, तो सौ का कितना हो गया नौ सौ। फिर छह को गुणा करना है दस से, तो साठ हो गए। फिर छह को गुणा करना है एक से, तो कितना हो गया छह हो गया। अब क्या करना है अपने को, अब इनको जोड़ना है, गुणा करने का काम हो गया, अब अपने को जोड़ना है, ये कितना है आठ लाख, ये कितना है चालीस हजार, ये दो हजार, नौ सौ, साठ और छह, तो आठ लाख के हम क्या लिखेंगे, आठ लाख का आठ लिख देंगे। उसके बाद में दस हजार, दस हजार की जो संख्या है उसमें कितना है चालीस हजार, और हजार की संख्या है उसमें कितना है दो हजार, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे, चालीस हजार और दो हजार को जोड़ दिया, कितने हो गए बयालीस हजार हो गए, तो बयालीस हजार के हम लिख देंगे बयालीस। उसके बाद में क्या करना है, अब सैकड़ा वाली संख्या लेनी है, सैकड़ा वाली में एक ही लेनी है, तो सैकड़ा वाले में कितना है नौ सौ, तो नौ सौ का क्या लिखेंगे नौ लिख देंगे। और फिर इकाई दहाई को साथ में लेते हैं हम, तो इकाई दहाई में साठ और छह को जोड़ दिया, साठ और छह कितने हो गए छियासठ, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गए छियासठ। अब वापिस करके देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यानी ये जो संख्या है अपनी बन गई आठ लाख बयालीस हजार नौ सौ छियासठ। तो इस प्रकार से ये जो वर्ग बुक आई है इसका कार्य पत्रक एक जो है इसके अंदर ये इस प्रकार के छह सवाल दिए गए हैं, सारे जो छह सवाल हैं पांच सवाल दिए गए हैं, इन पांचों सवालों के मैंने एक एक उदाहरण जो है वो कर दिए। फिर आप इस वीडियो की सहायता से बाकी के जो सवाल है उनको आप हल कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।